हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के इजी क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, और इन सभी के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जनरली जब आप लोग अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट होता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ही देता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ही नहीं बल्कि दूसरे भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि स्विगी हुआ, जोमैटो हुआ, मित्रा हुआ, यहाँ पर भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ही दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड है आज के टाइम पर, अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस देना होता है और रिन्यूअल फीस 500 रुपीज़ देना होता है। अच्छी बात यह है कि जब आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पर आ जाता है उस दिन से लेकर 60 दिन तक अगर आप 6,000 रुपये का स्पेंड कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपका 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस होता है वो आप लोगों को रिफंड कर दिया जाता है, यानी कि आप लोगों को ज्वाइनिंग फीस 1 रुपया भी नहीं देना होता है। इन सभी के अलावा अगर आप एक साल तक 35,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को रिन्यूअल फीस भी नहीं देना होता है। और दोस्तों, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी शॉपिंग करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉप पर या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो यहाँ पर आप लोगों को पर 100 स्पेंड पर 1 रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम इस रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 1 रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 0.20 रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम जो रिवार्ड पॉइंट है वो 2,000 रिवार्ड पॉइंट ही प्रोवाइड किया जाता है। इन सभी के अलावा यहाँ पर आप लोगों को 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 400 रुपीज़ से लेकर 5,000 रुपीज़ के बीच में होना चाहिए, तभी आप लोगों को 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम जो कैशबैक है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, यहाँ पर आप लोगों को 250 रुपीज़ ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर ऐड ऑन का फीचर्स भी मिलता है, जैसे कि मान लो आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, अब आपके घर में जो आपके माता हैं, पिता हैं, उनको भी एक क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन वो लोग इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आप एक क्रेडिट कार्ड दिलवा सकते हैं आप अपने माता जी को और अपने पिताजी को। उस कंडीशन में होगा क्या कि जो भी, जैसे कि आपका लिमिट 50,000 दिया गया है तो उसी लिमिट में से काट करके आपके माता जी को दे दिया जाएगा, पिताजी को। जैसे कि 50,000 का आपका लिमिट है तो उसमें में से 20,000 का लिमिट आपके पिताजी को दे दिया जाएगा, 10,000 का लिमिट आपके माता जी को दे दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मान लो अदरवाइज वो लोग अपना जो बिल पेमेंट है, रीपेमेंट है, टाइम टू टाइम नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उस बिल पेमेंट के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप ही ने एड ऑन किया है उन लोगों को। अब यहाँ पर दोस्तों, सभी लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर इतना सैलरी होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, एलिजिबिलिटी छोड़ दीजिए, अगर आपका सिविल स्कोर बेहतरीन है तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आप लोगों को पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड देना है, आप लोगों को किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर बेहतरीन नहीं है तो आप चाहे महीने के 50,000 कमाते हों तो भी आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, देखिए यहाँ पर अगर आपका अमाउंट 50,000 है और आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है और अगर आप मैनेडेट करते हैं तो उस कंडीशन में ही आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड भूल ही जाना, आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू हो जाता है तो उस कंडीशन में 3.25% का पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ज करेगा, और ये पूरे का पूरा मान के चलिए कि 39% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज करेगा। तो मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहिए, ताकि आपका सिविल स्कोर भी अच्छे तरीके से ग्रो होता रहे और आप लोगों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।